गुरुजी अग्निहोत्र करते समय तीन संविधा से आहुति देते हैं। मंत्र चार है, जहां दो मंत्रों से मिलकर एक आहुति दी जाती है। इसका क्या महत्व है? शंका का समाधान करने की कृपा करें। ये जो वैसे प्रश्न का प्रश्न ठीक है आपका, प्रश्न का उत्तर मैं दे भी देता हूं, पर इन चक्करों में ना फंसो। हर मंत्र का अर्थ पता चले, हर पदार्थ के अर्थों का पता हो, तो हवन ना कर सकेंगे कभी। आप इस संसार में हैं, आप लाखों साल तक हाथों और पैरों पर चलते रहे, आप चारपाई थे, चाप चौपाई थे, जैसे गाय है, भालू है, बंदर है, कुत्ते हैं, आप चौपाए थे, आप लाखों साल तक चले हैं। लैमार्क को डार्विन का सिद्धांत इस बात को बताता है, बायोलॉजी पढ़ने वाले लोग इस बात को जानते हैं। लाखों साल बाद आप दो हाथ अपने ऊपर उठाकर क्यों चलने लगे हैं, मतलब अभी ऐसे क्यों नहीं चलते हैं? तो दो संविधाएं हैं, जो संविधान में दो सत्य ग्रथ बौद्ध यथा तिथिम की बात आप कर रहे हैं, तो वहां पर दो मंत्रों को इसलिए लिया गया है कि वो संयुक्त देवता हैं, दोनों का काम एक ही आहुति से चल जाता है, इसलिए उस मंत्र को वहां हमने दो दो आहुतियां एक ही मंत्र से दी जा रही हैं, एक ही संविधा से दी जा रही हैं, और संविधाएं तो आपके पास भरपूर हैं, वो तीन संविधाओं में ही क्यों अपने आपको उस परिधि में या घेरे में अपने को रखे हो? संविधाएं तो आप उसमें 100 भी लगा सकते हैं, 50 भी लगा सकते हैं। वो ग्रत आहुति, वो पर्टिकुलर अग्नाध्यान के बाद की आहुतियां हैं, तो वो उसका एक विशेष महत्व होता है, वो उन्हीं मंत्रों के साथ होती है। उनमें एक आहुति उस देवता के लिए है जो अग्नि की उस यज्ञ की अग्नि को चलाता है, एक उसके लिए है जो उसको संभालता है, एक उसके लिए है जो उसको बात तक संभाल, तो वो पूरा एक विधान है, वो आगे शिक्षा के वर्तुल हैं। लेकिन अभी आपने करना है तो आप उसको करते जाएं, और करते जाएंगे तो ज्यादा सवाल आपके मन में आएंगे नहीं। मेरा अनुभव ये कहता है, आपके लिए आप अपवाद हो सकते हैं, कि मेरा अनुभव ये कहता है कि अधिक सवाल करने वाले कुछ भी नहीं करते हैं, जो करते हैं उनके कोई प्रश्न नहीं होते। हमारे इस ग्रुप में भी अभी बैठे हैं 20-25 जन, कुछ रोज कर रहे हैं, उनका कोई प्रश्न नहीं है, उनका नमस्कार और प्रणाम के अलावा, या मतलब सवाल आप पूछें इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन उनका सवाल बड़ा सार्थक होता है। तो उसी से पता चलता है जो पूछते रहते हैं वो प्राय बहुत कम करते हैं, वो पहले हर चीज के बारे में आश्वस्त हो जाना चाहते हैं, और संशय आत्मा विनश्यति, जो बहुत संशयों से भरा है, जिसके मन में हर चीज को लेकर के संदेह ही भरे हुए हैं, वो कुछ भी कभी कर ना सकेगा, और कर भी लेगा तो उसका फल भी ना मिल सकेगा उसको। भक्ति में, प्रेम में ये सब चलता नहीं है एक्चुअली। ये अगर हर बात, अगर आपके पिताजी आपको कह रहे हैं कि बेटा भोजन कर लो, और आप उनसे पूछिए कि इसका क्या कारण है, मैं तीन रोटी खाऊं, क्यों खाऊं, इसकी वजह क्या है, और परसों इसमें बैंगन की सब्जी थी और आज इसमें मसूर की दाल है, इसका क्या तात्पर्य हम समझें, और रोज मसूर की दाल ना खा करके एक दिन अरहर की दाल आ जाती है, और कभी कभी भिंडी, और किसी दिन करेला ठुमक रहा होता है थाली में, तो इसका क्या भावार्थ हुआ, और हम खाने के साथ पानी क्यों पी लें, और खाना खाए ही क्यों, और ये सब इसके कुछ सेंस है नहीं एक्चुअली। तो कुछ बातें हैं, कुछ काम है जो करने हैं, करना है तो करना है, और बस वो करने से ही आपको उसके लाभ प्राप्त होंगे। क्योंकि आप अगर अपने मन में संशय रख करके, शक रख करके, सुबह रख करके, संदेह रख करके किसी कार्य को करेंगे भी, तो उसकी प्रतिफलन में शुद्धता ना रह जाएगी मन की। जो मन, जो अभी कहा ना, अभी देखिए यही तो आज का मंत्र था, जो भगवान श्री कृष्ण ने आज के गीता के उपदेश में कहा, वो इसी बात को तो आपसे कह रहे थे कि आप जो हैं, आप सभी तरह के संदेहों से मुक्त हो, जिसके जो सभी तरह की वृत्तियों से मुक्त हो, जिसके मन में इस तरह के प्रश्न और इस तरह की चीजें समाप्त हो गई हों, वो व्यक्ति परमात्मा के पथ पर निरंतरता से आगे चलता है। पूरी गीता इसी से भरी हुई है, क्योंकि वो वृत्तियों को जान रहे हैं, और जब तक वो संदेहों से भरा हुआ है अर्जुन, तब तक विजय बहुत दूर है, खड़ी है उससे। और जिसको परमात्मा ने प्रदर्शित होना है, जिसको परमात्मा ने दिखाई देना है, जिसको परमात्मा ने संगसाथ होना है, उसी के होगा। गीता का उपदेश कोई वॉशरूम में नहीं दिया गया है, गीता का उपदेश किसी एक कमरे में बंद करके नहीं दिया गया है, किसी पेड़ की 85 टहनी पर बैठ करके नहीं दिया गया है, किसी रथ के खोपचे में अंदर बंद करके दरवाजे वहां नहीं दिया गया है, खुले आसमान के नीचे, खुली सेनाओं के बीच सारे लोग खड़े हैं, किसी को कुछ भी ना सुनाई दे रहा है, ना किसी को कुछ दिखाई दे रहा है, संजय के अतिरिक्त, क्योंकि संजय के पास एक दिव्य दृष्टि है, विदुर के पुत्र हैं, वो विदुला से आते हैं, तो विदुला बहुत बड़ी तांत्रिक है, तो वो एक विद्या, एक सिद्धि उन्होंने अपने पुत्र को दी है, वो समझ रहे हैं और धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं, और बस कृष्ण और अर्जुन, इसके अलावा किसी को पता नहीं है। गीता उपदेश के बारे में आप युधिष्ठिर से पूछे तो मुस्कुराने लगेंगे, बोले ये कब हुआ, हमें तो पता ही नहीं,
और भीम से बात करें तो हो सकता है वो आलू को पराठे खा रहे हो साइड में बैठे हो उस टाइम जब ये सब चल रहा था। तो वो जिसे दिखना है उसी को दिखेगा, जिसे कहा जा रहा है उसी के समझ में आएगा, बाकी तो जनता जनार्दन है। Yeah.